अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर यास्मीन खान। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसी हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक छोटा सा अपडेट है। एक्चुअली मैंने कल कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था, तो उसकी वजह ये है कि कल मैंने सोचा था कि मेरी हुरैन की जो शुरू से लेकर अभी तक की जर्नी है, मतलब ज़ू की जो हम बोलते हैं ना चिड़ियाघर, उसकी और गार्डन की, तो वो मैं आपको एक के बाद एक शेयर करूँगी। बट वो सब कुछ इकट्ठा करने में ही थोड़ा टाइम लग रहा था कल पूरा, जैसे मतलब घर का भी काम रहता है तो वो काम करके फिर थोड़ा ख़त्म हो या मैं थोड़ा टाइम के लिए बैठी हूँ तो मैं फटाफट फ़ोन लेके वो गूगल पे से सर्च मार के निकालना था। तो कल मेरा यही काम था और इवन अभी तक मेरा वही काम चल ही रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरी हुरैन की जर्नी। तो बस वही था, तो कल शाम तक इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड कर देती हूँ। कल शाम तक नहीं तो मैं इतने टाइम सुबह में तो अपलोड कर ही देती, बट ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे कॉल आया। अच्छा, दिल में ऐसा था कि मैं धारावी जाऊँ, फिर अचानक से फ़ोन आया तो मेरे भाई ने कहा तूने मुझे विश नहीं किया। मैं तो मुझे याद आया आज 18 दिसंबर है, उसका बर्थडे है, तो मैंने कहा हाँ वो नहीं करी, भूल गई, नहीं ऐसे ही नहीं करी। तो बोला अच्छा चल ठीक है, पार्टी दे दे, केक लेके आ जा। मैं बोली अच्छा बर्थडे तेरा है और पार्टी में दूँ? तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ, एक बार तो पार्टी नहीं दे सकती है? तो मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी नहीं दूँगी, हाँ अगर पार्टी मिलेगी तो मैं आ जाऊँगी और मैं अभी इतने टाइम ही आ जाऊँगी। तो उसने कहा कि कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा बस तू फ़ोन काटेगा और 10 मिनट में मैं निकलूँगी। तो अच्छा इतनी फास्ट सर्विस है? मैं बोली हाँ इतनी फास्ट सर्विस है, मैं आती हूँ। तो फिर कल हम मैं हुरैन चले गए थे धारावी। तो कल एक इंसिडेंट भी हुआ था बस स्टॉप पे, क्योंकि कल मैं बस से गई थी। तो मतलब कभी कभी कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं ना कि कुछ कह के चले जाते हैं और वो ज़िंदगी के लिए एक सबक हो जाता है। तो कल एक शख्स ने, एक मामूली से शख्स ने कुछ कहा, उसकी बात जैसे ना दिल पे लग गई कि मतलब अरे ये आदमी ऐसा बोल दिया। और मतलब उसने मुझे कुछ नहीं कहा, एक बोलते ना कि कोई बात ऐसी हो जाती है कि जो दिल पे लग जाती है और आदमी को सबक मिल जाता है। उसने कल वो चीज़ बताई कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो जिस हिसाब से मैं खड़े खड़े बहुत सोचती थी यार, मैं कभी तो पैसे को मतलब इतना वो सोचती नहीं थी, मैं खर्चा कर देती थी, मैं कभी मतलब ये नहीं सोचती थी कि नहीं इतना बचेगा तो इतना हो जाएगा, नहीं। बट उसने दो जुमले में इतनी बड़ी बात समझा दी, वो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात थी उसकी। तो वही कल हम लोग गए थे धारावी रात में, तो इसके लिए फिर मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी एडिटिंग भी अधूरी रह गई। तो और वहाँ भी वीडियो बना है, बट अभी मेरी फैमिली सोशल मीडिया पर नहीं है। मेरा भाई है सोशल मीडिया पर, बट उसने कहा था वीडियो अपलोड नहीं करना, तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। बट वो मेरे पास एक यादगार के तौर पे सेफ है, घर के सभी के फ़ोन में सभी ने मतलब बनाया था। तो फ्रेंड्स, कभी इंशाल्लाह मौका रहा, कभी परमिशन मिल गई, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हट जाएंगी, तो फिर ऐसे मेरे ऊपर भी, मैं 3 साल से परेशान हूँ कि मैं अपना एक व्लॉग का चैनल खोलूँगी, एक व्लॉगिंग करूँगी, मैं यूट्यूब पे चैनल खोलना चाहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने नहीं 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 करते करते एक बार मतलब फिर मुझे परमिशन मिली गई। कि मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं घर में बैठती हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं मतलब फ्री रहती हूँ, और जो मेरी पढ़ाई है, जो भी कुछ मैंने किया ये सब कुछ वेस्ट है टोटल, मुझे सिर्फ ये खाना ही बनाना है, घर के काम करने हैं, बच्चे संभालने हैं। तो कहीं ना कहीं जाके 3 साल से बोलते 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 उनके दिल पे मेरी बात लग चुकी और फिर मुझे परमिशन मिल गई कि ठीक है अच्छा तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल लो। तो गाइस, फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। तो उसी तरह कभी ना कभी मुझे परमिशन मिलेगी कि हाँ ठीक है जा वीडियो अपलोड कर दे, तो फिर मैं अपने भाई की वीडियो, अपनी फैमिली की वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।